अच्छा गैस, यहाँ पे दो सोन पापड़ी हैं जिसे वैसे पतीसा कहते हैं हम पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया में सोन पापड़ी के नाम से मशहूर है। मैंने ऑर्डर करना था तो मुझे कन्फ्यूजन थी, मैंने कहा कौन सा ऑर्डर करूँ। फिर मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए, लेकिन मुझे कोई प्रॉपरली रिव्यू नहीं मिला यूट्यूब पे, क्योंकि मोस्टली सारी एडवर्टाइजमेंट टाइप रिव्यूज़ हैं तो वो ट्रस्टेबल नहीं होते। तो मैंने कहा कि मेरा इरादा तो नहीं था कोई रिव्यू बनाने का, लेकिन मैंने कहा मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो जब ऑर्डर करने हैं। तो अब मैंने तो ऑर्डर कर दी दो, तो क्यों ना मैं इसका साथ रिव्यू भी बनाऊं और टेस्ट करके भी बताऊं कि कौन सी बेहतर है, और एक ऑनेस्ट रिव्यू हो ऑर्डर करने से पहले, ताकि मैंने तो ऑर्डर कर दी लेकिन किसी और के लिए हेल्पफुल हो। ये दो ब्रांड हैं, हल्दीराम काफ़ी फेमस है इंटरनेशनली, आपको मिल जाएगा दुबई में भी, इवन के इंडोनेशिया और आई थिंक के सम मोर एशियन कंट्रीज़ में, और इवन के आई थिंक के यूरोप में भी। और ये ब्रांड का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मे बी अगर आपके पास ऑप्शन है तो अभी इसको खोलते हैं, पैक्ड है, किसका टेस्ट अच्छा है, पैकिंग हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। पहले ये खोलते हैं। असल में मेरा कोई प्लान नहीं था रिव्यू करने का, लेकिन मैंने कहा कि मैं जब ढूंढ रहा था मुझे यूट्यूब पे कोई रिव्यू तो मिला नहीं, तो क्यों ना मैं रिव्यू बनाऊं, और इट विल हेल्पफुल फॉर समवन। बिफोर बिफोर यू बाय सोन पापड़ी, डोंट फॉरगेट टू वॉश दिस। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी पैकिंग आया, काफ़ी हार्ड सा बॉक्स है। ये आ गई इसकी पैकिंग, पीछे इसके क्या कुछ लिखा हुआ है यू कैन चेक हियर, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपने कोई चीज़ इसमें से पढ़नी है। ठीक है, बॉक्स पे क्या क्या है। 250 ग्राम इसका वेट है, इसमें 500 ग्राम भी आती है, लेकिन इंटरनेशनली मोस्टली छोटी पैकिंग्स ही होती हैं। अच्छा ये हो गई ये, अब इसको खोलते हैं सेम टाइम पे। अच्छा ये डायरेक्टली हल्दीराम की तो डायरेक्टली निकलती है, ठीक है, इसके साथ डायरेक्टली बॉक्स के साथ। चलो इसको भी खोलते हैं से। इसका बॉक्स आ गया, दोनों को पैकिंग इधर मैं रख दी है ताकि आपको आइडिया रहे। ये हल्दीराम, अब इसको काफ़ी पैक्ड है बेसिकली, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ये हो गई हल्दीराम की पैकिंग, कलर कुछ इस तरह का है, येलो नहीं है, लाइट सा कलर है। अच्छा इसका बाद में ये भी हल्दीराम की है। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि ये भी मे बी हल्दीराम का ही ब्रांड होगा। अब इस पे जो सील लगी हुई है वो तो हल्दीराम की है, आई डोंट नो ये यम्स क्या ये हल्दीराम का ब्रांड। हाँ ये भी हल्दीराम का ब्रांड है। ओके एनीवे मुझे आइडिया नहीं था, दोनों सेम है, सोन पापड़ी है, मुझे नहीं पता इसमें फ़र्क क्या है, कोई ख़ास चीज़ है इसके अंदर, ट्राई करके देखते हैं। एक मैं स्पून ले आऊँ, एक मिनट भाई, ये ले लें या ये ले लें। मैंने दोनों को दो दो दफ़ा ट्राई किया, इसमें इलायची ज़्यादा है खुशबू, इसमें बादाम ज़्यादा है इस वाली में, बड़ी दोनों को ट्राई किया। अगर आप दोनों में से कोई भी लोगे आप रिग्रेट नहीं होगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसमें आई थिंक बादाम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देखें
नहीं, थोड़े बहुत बादाम होंगे लेकिन कोई खास बादाम नहीं नज़र आ रहे। ओह, थोड़े से साइड पे हैं लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दोनों में। इसमें खुशबू इलायची की ज़्यादा है, इसमें मुझे खुशबू इलायची की थोड़ी कम लगी है, लेकिन मैं खा ही जा रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं फील हो रहा। ऐसे लग रहा है जैसे दो अलग पैकिंग्स हैं बस। उस अगर मेरे सामने रखी जाए इनके पैक्स उतार के, तो मुझे लगेगा कि सेम सेम कंपनी है और सेम 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 सोहन पापड़ी, सेम पतीसा है। बस ये मेरा छोटा सा रिव्यू था। मेरा ख्याल है अगर ये ले लें या ये ले लें, आई थिंक बोथ आर वेरी नाइस। नो कमेंट, यू विल गो ईवर, यू विल गो दिस साइड और यू विल गो दिस साइड, यू विल नॉट गो रॉन्ग। दोनों में से कोई भी ले लें, इट्स ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है, कोई फ़र्क नहीं है। फ्रेश लग रही हैं दोनों, ये थोड़ी सी येलो ज़्यादा है, ये थोड़ी सी लाइट है, बट टेस्ट ऑलमोस्ट सेम, सॉफ्ट क्रंची फ्रेश, वेरी नाइस अरोमा फ्रेगरेंस एंड या थम्स अप फॉर दैट। हाँ, एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गया कि इसका फ़ायदा, हल्दीराम का ये वाले का ये फ़ायदा है कि इसको मैंने अब बंद करना है ना, क्योंकि अब एक टाइम में तो नहीं सारी खा सकते, तो आप कम से कम इसको यहाँ पे ये कवर लगा के कम से कम आप इसको बंद तो कर सकते हो ना, अब एक टाइम में तो ख़त्म नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे, ये बस ये ऐसे ही है। अब ये अगर ह्यूमिडिटी है, अगर 3-4 दिन या ज़्यादा आप फ्रिज में रख लो मे बी, तो अभी इसकी सील ख़त्म हो गई, अब इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपको एक जल्दी ज़्यादा खानी पड़ेगी। इसकी सेफ्टी ये है कि इसका कवर है, तो इस लिहाज से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये आप आराम से, हवा डायरेक्टली नहीं लगेगी, कम से कम कुछ दिन ज़्यादा सेफ रह सकती है सील उतरने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे जो है काम थोड़ा सा मज़ेदार नहीं है, क्योंकि जब आपने खोल ली, अब आप शायद इसी पैक को दोबारा से अंदर डालोगे और इस मैसअप में पड़ोगे, क्योंकि अब एक या दो बंदों ने भी खानी है तो एक टाइम में तो नहीं ख़त्म करेंगे। 4-5 दिन अगर आप खाते हो तो पता नहीं क्या होगा, फिर इसे फ्रिज में आप रख सकते हो। ये चीज़ मैंने ऐड करनी थी, तो ये इस लिहाज से इस पॉइंट इस वाले पैक को जाते हैं, जबकि ब्रांड दोनों हल्दीराम ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतर आइडिया है क्योंकि पैक है। ओके, थैंक यू।